गाइस वैसे तो जनरली हम ह्यूमंस की दो टांगे होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी तीन टांगों वाले इंसान को देखा है? जी हाँ, चलिए जानते हैं। गाइस ये व्यक्ति जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थे फ्रैंक लैंटनी, जो कि इटली के रहने वाले थे। गाइस इनका जन्म 1889 में हुआ था और ये एक पैरासाइटिक ट्विन, यानी ऐसे ट्विन जिनका डेवलपमेंट सही से ना होने की वजह से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और गाइस इसीलिए इनकी तीन टांगे, उन तीन टांगों में चार पैर और दो जेनिटल ऑर्गन्स भी थे। गाइस ये अपने समय के एक बहुत ही बड़े सर्कस आर्टिस्ट थे, जिन्हें द ग्रेट लैंटनी के नाम से जाना जाता था। गाइस वैसे तो किसी भी इंसान का फार्ट काफी बदबूदार होता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि फार्ट को भी अच्छा स्मेल करने के लिए पिल्स आती हो? जी हाँ, चलिए जानते हैं। गाइस दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रेंच के क्रिश्चियन पॉइंचविल ने पिल्यूल पेट नाम की एक पिल को बनाया है। गाइस इस पिल को लगातार एक हफ्ते तक खाने के बाद आपकी फार्ट भी चॉकलेट और रोजेस जैसी खुशबूदार। गाइस वैसे तो आपने कई सारे अंधभक्तों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को अंधविश्वास के चलते टॉयलेट पीते हुए देखा है? जी हाँ, चलिए जानते हैं। गाइस दरअसल ये बात इंडिया के ही एक चर्च की है, जहाँ की एक जीसस की मूर्ति से रहस्यमय तरीके से पैरों से पानी टपकता था। अब गाइस कई सारे लोग इसे जीसस की ब्लेसिंग समझ कर इकट्ठा कर ले जाया करते थे और कई लोग इसे पी भी लिया करते थे। अब अगर गाइस सच में ये पानी जीसस की स्टैचू से टपकता होता तो इसे पीना सही था, क्योंकि फिर ये जीसस की ब्लेसिंग्स मानी जाती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में जब इस पानी के सोर्स का पता किया गया तो पता चला कि यह पानी पासी में बने एक टॉयलेट के पाइप से लीक हो रहा था। अब गाइस ये जानने के बाद उन लोगों का हाल क्या हुआ होगा जिसने इस पानी को पिया था? आप चैट सेक्शन लिखकर जरूर बताएं। गाइस वैसे आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अगर बेचने बैठो तो इस दुनिया में क्या कुछ नहीं बिकता है, और आज हम इस वीडियो में इसी का एक रियल और लाइव एग्जांपल जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। गाइस दरअसल ये बात है यूएस की, जहां की एक महिला स्टेफनी मेटो अपने गैस यानी अपनी फार्ट को जार में बंद करके बेचने का बिजनेस करती हैं। और आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि अपने इसी बिजनेस से ये करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपये महीना कमाती हैं। गाइस हालांकि हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जिसमें इस को कुछ ज्यादा ही करने की वजह से इन्हें स्ट्रोक का सामना करना पड़ा और ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। गाइस हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद भी इनका एक बयान सामने आया है, जिसमें ये कह रही हैं कि अब डॉक्टर्स ने इन्हें इस चीज को कम करने के लिए कहा है, जिसका सीधा असर अब इनके बिजनेस पर पड़े।